दिस इज अंजू, वेलकम टू माय मोटिवेशनल जोन वंस अगेन। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग हमेशा इतनी मेहनत करते हैं कि हम दूसरे के जैसे बन जाएं, दूसरे के जैसे कॉपी बनना चाहते हैं। व्हाई? आई डोंट अंडरस्टैंड। आप अपने आप को अपनी तरह क्यों नहीं बनाना चाहते, या अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं वैल्यू करना चाहते हो? आप हमेशा दूसरे की तरह क्यों बनना चाहते हैं? बी योरसेल्फ। अरे, यू आर हैविंग पोटेंशियल, क्यों नहीं कर सकते आप? सब कुछ आप कर सकते हो। आपको जो करना है वो आप ही कर सकते हो। आपको किसी दूसरे को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा याद रखो, आजकल हर बच्चे को देखिए आप, किसी भी सेलिब्रिटी का हेयर स्टाइल देखेंगे तो वैसे ही बनाने लगेंगे। आप पार्टी में जाते हैं, हमेशा देखिए सब एक तरीके के क्लोथ्स पहनेंगे। आई मीन हेयर स्टाइल, बहुत सारे गाउन्स, ड्रेसेस आप कुछ डिफरेंट पहनेंगे तो आपकी अलग एक आइडेंटिटी होगी। यू आर लुकिंग डिफरेंट इन दैट पार्टी, सो समथिंग डिफरेंट। जरूरी नहीं है कि आपको भी वही पहनना है जो दूसरों ने पहना है, या उसके लिए आपको हमेशा परचेज करने की जरूरत है। आप अपनी आइडेंटिटी दिखा सकते हो। आपकी आइडेंटिटी एक अलग है। सो बी योरसेल्फ। हमेशा दूसरे को कॉपी करते रहना कहीं की भी समझदारी नहीं है। आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हो उसके लिए। कभी अपने आप को अकेला छोड़ के देखिए, और जब भी रेस्ट करने जाओ तो मोबाइल साथ लेकर मत जाओ। बहुत से लोग जब रेस्ट करने जाते हैं तो मोबाइल साथ लेके जाते हैं। नो, आपको पता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मैं जब रेस्ट करने जाती हूँ तो मैं मोबाइल अपने से बहुत दूर रखती हूँ, ताकि मुझे कोई मैसेज देखने ना मिले, या मैं हमेशा कोई भी सर्फिंग ना कर पाऊँ। क्योंकि when we are going to take rest, that is complete rest time। हमारा दिमाग क्यों चल रहा है, किसने मैसेज किया, क्यों किया? नो, वो रेस्ट नहीं है। हम डिस्टर्ब हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और ऐसे में आप कभी भी रेस्ट नहीं कर सकते हो। तो पीस भी तो चाहिए आपको। ठीक वैसे ही जब आप अपने लिए टाइम देंगे, आप अकेले जाके रेस्ट करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आप को खुद जानेंगे, और वो टाइम आपको खुद को जानने के लिए होगा, ना कि मोबाइल में सर्फिंग करने के लिए। सो बी योरसेल्फ, आई ऑलवेज से दैट। आपको बार बार किसी को दूसरे को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। कई बार आप आईने में अपने आप को देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट दैट यू आर मोर ब्यूटिफुल देन अदर सेलिब्रिटीज। कई बार ऐसा होता है हम अपने फेस को खुद ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, और हम लगे रहते हैं दूसरे को कॉपी करने में। तो ऐसा आज से बंद कर दीजिएगा। बी योरसेल्फ। हमेशा अपने आप को पहचानो। आप जो हो वो हमेशा आप ही रहोगे, कोई दूसरा नहीं बन सकता। एक की कॉपी कभी दूसरी नहीं हो सकती। आप दुनिया में अकेले हो। कहते हैं ऐसे 7 लोग होते हैं, मगर सबकी आदतें अलग होती हैं। कोई सेम कभी नहीं हो सकता। कभी किसी का फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही ना तो आपकी चॉइस सेम हो सकती है, आपकी हैबिट सेम हो सकती है, आपका फेस सेम हो सकता है। आप अपने आप को दूसरे के जैसा कभी नहीं बना सकते। सो अपने आप को पहचानिए, और अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखिए, अपनी को वैल्यू दीजिए। आपको पता है आप एक नोट को कितना भी क्रश कर लीजिए, वो नोट क्रश तो हो जाएगा, मगर आप जब भी मार्केट में जाओगे आप उससे कुछ भी परचेज कर सकते हो। इट मीन्स दैट हैज वैल्यू। आपकी लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उससे आप प्रॉब्लम में तो आते हो, परेशानियां तो होती हैं, डिस्टर्ब तो होते हो, डेस्परेट तो होते हो, मगर आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। सो रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, वैल्यू योर सेल्फ, एंड बी योर सेल्फ। आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो। थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद अंजू।